तो फ्रेंड्स, अम्ब्रेला फ्रॉक सूट की काफ़ी डिमांड आ रही थी कटिंग सिखाने के लिए। काफ़ी कमेंट मुझे आए कि अम्ब्रेला फ्रॉक सूट की कटिंग सिखाइए। तो ये मेरे बुटीक में ही बुक हुआ है, मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। तो ये है 3.5 मीटर कपड़ा और इसका नाप है, देखिए थोड़ा हैवी साइज है। लेंथ है 52 इंच यानी 52 इंच। ये दो जगह मैंने लूजिंग डाली है, चेस्ट में और कमर में। तो 2.5 इंच की लूजिंग डाली है चेस्ट में और 2 इंच की डाली है कमर में। तो तैयार नाप है 52 इंच लंबाई, 46.5 चेस्ट, 39.5 कमर, 10 इंच बाजू, 11.5 मुहरी बाजू की, 17.5 आर्म होल राउंड, 7 इंच फ्रंट का गला, 9 इंच बैक का गला। बाजू में बनेगा की होल। तो जब हम कस्टमर हमारे पास हमारे बुटीक में आता है, जो जो भी वह करवाना चाहता है ड्रेस में, तो इस तरह से देखिए हम ये ड्रॉ कर देते हैं कुछ इस तरह से। ये देख सकते हैं आप इस तरह से। तो देखिए मैंने उसी समय ड्रॉ कर दिया था, ठीक है। तो नाप ये है, 3.5 मीटर कपड़ा है। तो इसकी कटिंग करेंगे, ऊपर आएगी चोली, नीचे आएगा घेर, पूरा फुल घेर और एप। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसकी चोली निकालेंगे, चोली की कटिंग करेंगे। तो देखिए चोली रखनी है हमने, शुभ लाइन तैयार और नीचे घेर रहेगा। तो हमने बाजू भी निकालनी है इसमें से। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 16 इंच की चोली है, तो आधा इंच ऊपर दबाओ आधा नीचे, यानी 17, और 17 दूनी 34, तो 34 या 35। तो 35 इंच हम इसमें से पहले ही निकाल लेते हैं, बाजू भी इसमें से ही आ जाएगी, ठीक है। बाजू कहाँ से आएगी, देखिए सबसे पहले से सीधा हम ऐसे कट कर लेते हैं, ये इसका बन जाएगा नीचे का घेर। ये जो बचेगा इसका अम्ब्रेला घेर आ जाएगा, देखिए इस तरह से, ठीक है ऐसे। चलिए इसको रख देते हैं अभी, सबसे पहले चोली की कटिंग करेंगे। तो ये है पर्ची इसकी। तो चेस्ट है 46.5 इंच, तो 46.5 का चौथाई हुआ, 46.5 का चौथाई हुआ लगभग 11.5 इंच एक सूत, और 1.5 इंच यहाँ पे छोड़ेंगे मार्जिन, 11.5, और देखते हैं यहाँ पे आएगी बाजू, ठीक है, क्योंकि हमें बाजू भी यहाँ से लेनी है। तो इसको भी हम इस तरह से अलग कर लेते हैं, सब टुकड़े अलग अलग, ठीक है। ये हो गया बाजू का, ये हो गया चोली। अब इसको आराम से हम प्रेस करेंगे, बिल्कुल इस तरह से मिला के। ठीक है, ये ऐसे प्रेस किया, सीधी साइड देखिए अंदर है, अंदर सीधा है बाहर उल्टा है। अब इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, तो ये देखिए 17 इंच आ रहा है,
आधा इंच ऊपर दबाओ, आधा इंच नीचे। तो ये देखिए मैंने इसको बिल्कुल सही से बैठा लिया है। तो सबसे पहले यहाँ ये निशान होता है ऊपर का जो कंधे का होता है, दूसरा 6.5 पे, और तीसरा पूरा ये लेंथ का है। यहाँ पे चोली की लेंथ है जो वो 16 इंच है। अब हमने क्या करना है, सीधा निशान करना है इसको। बिल्कुल सीधा बैक के गले के हिसाब से ही शोल्डर कट किया जाता है, जैसे कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ। तो ये शोल्डर कट करूँगा मैं 5.25 इंच, ब्रॉडनेस रखूँगा देखिए यहाँ से 2.75 इंच यानी 5.5। तो ये सीधा निशान मैंने यहाँ पे किया। साढ़े 46 का चौथा ही हुआ क्योंकि चेस्ट 46.5 है। 11.5 एक सूत, उसके बाद कमर, कमर है यहाँ पे 39.5। 39.5 का चौथा ही हुआ, 10 में से एक सूत कम, तो यहाँ पे रखेंगे ऐसे। और ये सीधा निशान यहाँ पे करेंगे, ठीक है। इसकी गोलाई डाल देंगे और आर्म होल का ये राउंड थोड़ा सा इसको देखेंगे, 17.5 इंच है। तो यहाँ पे एक प्लेट डालेंगे हम, फिटिंग लाने के लिए प्लेट डालनी पड़ती है। तो लगभग ये 3.5 इंच की प्लेट, और यहाँ से कवर करेंगे हम लगभग 0.5 इंच, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से नापेंगे तो 0.5 इंच यहाँ से कवर हो जाएगा, तो आर्म होल भी बिल्कुल सही आ जाएगा। ये मैंने 6.5 पे निशान लगाया था लेकिन थोड़ा ऊपर कर दिया है। अगर आर्म होल बड़ा या छोटा आ रहा हो तो ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। ये एक डिफॉल्ट सेटिंग है 6.5 वाली, ऊपर नीचे कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। यहाँ पे प्लेट आएगी तो इसके निशान लग चुके हैं ऊपर से। इसको यहाँ से कट करेंगे, यहाँ कुटका लगाएंगे, ये यहां से अलग कर लेते हैं और ये मार्जिन छोड़ते हुए ये फ्रंट के पल्ला उठाना है देखिए, और इसकी ये गोलाई डालनी है इस तरह से, बैक का थोड़ा बड़ा हुआ। प्लेट का यहाँ पे कुटका लगा देंगे, ठीक है। एक कुटका यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे जब प्लेट आएगी तो ये जो निशान है देखिए, ये जो कुटका है ये ऐसे आ जाएगा आगे की तरफ, तो इसकी फिटिंग बैठेगी, बहुत अच्छी फिटिंग बैठेगी इसकी, ठीक है। तो ये चोली हमारी कट हो चुकी है 16 इंच की। इस तरह से इसको कट करना है, कट करते हैं बाजू। तो बाजू भी पहले कट कर लेते हैं, उसके बाद इसका नीचे का घेर कट करेंगे। तो देखिए ये जो कपड़ा बचता है यहाँ से, इसको हमने ऐसे फोल्ड कर लेना है।
अंदर की साइड अंदर रख देनी है, जो सीधी साइड है उसको अंदर रखना है। ठीक है, अब इसको हमने ऐसे फोल्ड करना है इस तरह से। बाजू की लेंथ है 10 इंच, मूरी है 11.5। तो यहाँ पे 10.5 से निशान लगाएंगे। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। ये सीधा कर लेते हैं पहले, यहाँ पे धागे वगैरह निकले हुए हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मोड़ने के लिए 1.25 इंच का मार्जिन छोड़ना है और सीधा निशान करना है। 11.5 मोरी है तो यहाँ पे 5.25 पे ये निशान लगाया। लंबाई है 10 इंच तो 10.5 पे हमने निशान लगाना है। इस निशान को सीधा करना है, यहाँ से लगभग 4.25 पे ये निशान लगाना है। उसके बाद ऐसे क्रॉस में आर्म होल नापना है, 17.5 इंच है तो 9.25 पे ये निशान आएगा यहाँ पे। और यहाँ से यहाँ तक इस मूरी तक देखिए इस निशान को भी हम लगा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लगभग 2 इंच नीचे से हम गोलाई डालना शुरू करेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, और ये होगी अंदर की गोलाई इस टाइप से। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, पहले बाहर की गोलाई की कटिंग करेंगे। देखिए ये यहाँ पे कुटका लगाएंगे, छोटा सा एक कुटका यहाँ पे लगा लेंगे और ये मार्जिन कुछ इस तरह से बाजू की जाती है कट। ऊपर से 2 पल्ले उठाएंगे और यहाँ से देखें ये कटिंग होती है। तो ये बाजू की कटिंग हो चुकी है, चोली और बाजू हमारी कट हो चुकी है। और ये जो कपड़ा बचता है देखें यहाँ से, ये गले वगैरह पलटने के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, इसको रखते हैं। अब कटिंग करेंगे नीचे का जो अम्ब्रेला घेर होता है उसको कट करेंगे। तो देखिए यहाँ से ये जो कपड़ा है, सबसे पहले इसको हमने सीधी साइड जो है वो अंदर की साइड कर लेनी है इस तरह से, ऐसे। तो देखिए इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद देखिए ये अर्ज है और ये किनारियां हैं, ये किनारी है। तो हमने क्या करना है, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से। ठीक है, ऐसे। और बिल्कुल झोल इसका नीचे से यहां से निकाल देंगे ऐसे। तो अब देखना है कमर थी 39.5 इंच, 39.5 का चौथाई, 10 में से 1 सूत कम, थोड़ा मार्जिन लेते हैं तो हुआ 11। तो यहां से देखिए ये चीज हमने 11 इंच रखनी है इस तरह से, ऐसे गोलाई में ऐसे। ठीक है, तो यहां पे हम निशान लगाएंगे, यहां निशान लगाया। अब हम इसको भी गोलाई करेंगे। तो इस निशान को लगाने के बाद हमने क्या करना है, जितना भी यहां से और यहां तक आए, ये आया 13.25, तो इस तरह से ही 13.25 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे, 13.25 पे यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, ऐसे देख लीजिए आप, 13.25 और 13.25, यानी पूरा ये एक समान गोलाई करनी है ऐसे ये। ठीक है, यहां से 16 इंच की चोली है तो 16 इंच निकालेंगे ऊपर, हम 16 16 इंच निकालेंगे ऊपर और लंबाई नापेंगे। लंबाई कितनी थी, 52 इंच। तो ये आ रहा है देखिए 52 इंच, तो ये 52,
52 पे निशान लगाएंगे, बल्कि ये ओरेब होता है, तो अगर 52 इंच रखनी है तो ये खुलने के बाद थोड़ा जब लटकता है तो 1 इंच बढ़ जाता है, तो हम यहाँ से 51 ही रख लेंगे, 1.5 इंच ही अपने आप बढ़ जाता है क्योंकि ओरेब साइड होती है, तो ये कपड़ा ज़्यादा झूलने वाला है, तो इसलिए हम इसको 1 इंच कम ही रखते हैं। अब देखना है, इसको तो हम यहाँ पे कट कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इस टाइप से कट किया, ये इस तरह से ये बराबर है, ठीक है, ये कट किया यहाँ से, यहाँ लग जाएगी चोली, समझ गए, ये जो चोली है यहाँ पे ये चोली आ जाएगी, देखिए इस तरह से। अब हमने यहां से तो कट कर दिया है और यहां लंबाई भी देख ली है, अब देखना ये कितना है, ये एरिया है 34.5, तो अब हमने यहां से पूरे में गोलाई करनी है, यहां से भी 34.5, फिर यहां से भी 34.5, नीचे आता है जोड़ इसमें, यहां से भी 34.5, पूरी गोलाई ही 34.5 पे हमने इसको एक समान कर लेना है, देखिए इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा इसको खिसकाना पड़ेगा, ऐसे खिसका के थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा ध्यान से इसको मैंने खिसका दिया है, तो 34.5 ही हम यहां से रखेंगे, देखिए ये ऐसे, ये देखिए, ठीक है। इसमें क्या करना है, या तो आप लेस वगैरह लगा सकते हैं, लेकिन ये प्रिंटेड कपड़ा है तो इसमें लेस वगैरह तो दिखेगी नहीं, तो हम इसमें पीको करेंगे, पीको से इसका बहुत ही अच्छा फ्लेयर आ जाएगा, तो इसको हम कट कर लेते हैं और यहां पे लगाएंगे, देखिए ज्वाइंट, ठीक है, तो यहां से थोड़ा ये यहाँ से भी हम थोड़ी सेटिंग कर लेते हैं इसकी, थोड़ा यहाँ से अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, किनारी इसकी हम उड़ा देते हैं यहाँ से, ये एक समान हो गया बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ पे लगाएंगे ज्वाइंट, ज्वाइंट कहाँ से आता है, ज्वाइंट आता है यहाँ से, ये ऐसे इस तरह से ज्वाइंट आता है, इसको थोड़ा ऐसे मोड़ेंगे और इसे अपनी ओर खींचेंगे यहां पे, ठीक है, तो ये किनारे से किनारे देखिए, ये किनारी इस टाइप से ही ज्वाइंट आएगा, तो इसको ऐसे चढ़ा के यहाँ पे 1 इंच किनारे से ऊपर, इस तरह से 1 इंच चढ़ा के, और इसको यहीं छोड़ देना है, इसको निकाल लेंगे आराम से यहाँ पे, और इसको ऐसे वहीं का वहीं बिछा देंगे, और फिर इसको ऐसे, ये तरीका है बहुत बढ़िया, इस तरीके को आप सीख लेना, ये देखिए आ गया ना, ये चढ़ के आ गया, यानी आधा आधा इंच दबाव भी इसमें आ जाएगा। अब इसके बराबर हम इसकी कटिंग करेंगे, नीचे वाला थोड़ा छोटा पड़ गया, नहीं इसको खींच लेते हैं थोड़ा, नहीं तो ये गड़बड़ कर देगा बाद में, इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, कोई हिस्सा छोटा बड़ा हो जाता है तो बाद में बड़ी प्रॉब्लम खड़ी करता है, तो ये देखिए यहां से, तो ये हो गया अम्ब्रेला सूट की कटिंग, इसको यहां पे रखते हैं, इसको यहां खोलते हैं, तो ये बहुत ही जबरदस्त घेरा जाएगा, और ये लगेगी यहां पे चोली, इसको बोलते हैं चोली, ये देखिए, इसको आपने गोलाई में ही काटना है, इसको सीधा नहीं काटना बिल्कुल, जैसा जैसा मैंने बताया उस तरह से आपने कटिंग करनी है, तो जब ये और ये ऐसे मिलेगा तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है ऐसे, ठीक है, यहां से, ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से कटिंग करना है आपने, इस ज्वाइंट को रख देते हैं यहां पे, और कारीगर इसको सीधेगा, इसमें गोल गला बनेगा और बाजू में की होल बनेगा, तो कटिंग की वीडियो मैंने आपको आपके लिए बनाई है,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको ये सिलना सीखना है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिए। मैं आपके लिए एक कटिंग की और सिलाई की पूरी वीडियो बना दूंगा, पर वीडियो थोड़ी लॉन्ग होगी क्योंकि कटिंग में और सिलाई में टाइम लगता है, तो वीडियो लंबी होगी, उसको आपको देखना पड़ेगा। मुझे कमेंट करके बताइए अगर आपको सिलना भी सीखना है तो मैं आपके लिए वो वीडियो बना दूंगा। अभी तो इसको कारीगर बनाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा फ्रॉक सूट देखिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने इसको स्टिच करवा दिया है और यहाँ पे लगाई है बेल्ट, और ये लुपियाँ हैं देखिए यहाँ पे। तो इसका घेर देख लीजिए, काफी घेर इसमें आ गया है, ये देख सकते हैं। और ये इसकी कुछ लुक आई है, ये देख सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये बनाना सीखना है तो मुझे कमेंट कीजिए, आपके लिए कटिंग की और स्टिचिंग की प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।